नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, आप लोगों ने ज़्यादातर सुना होगा, इस्तेमाल किया होगा, इंटरनेट के मामले में सुना होगा कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसको सभी यूज़ करते हैं, जिसका सभी इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों? इंफॉर्मेशन के लिए। इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट से निकाली जाती है, और कहा जाता है कि अगर ये वेबसाइट नहीं होती तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हमें सिस्टमेटिक वे में नहीं मिल पाती दोस्तों। उसका नाम है विकिपीडिया, और विकिपीडिया को हम लोग गूगल क्रोम, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स और काफ़ी सारे इंजन्स पर आसानी से सर्च कर लेते हैं, चला लेते हैं, वहाँ से अपनी जानकारी जो हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज उसी के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी अच्छा उसका एप्लीकेशन बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फेमस उसका एप्लीकेशन है। मैंने उस एप्लीकेशन को चलाकर देखा और उसमें पता चला कि जो वेब पर जैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका, उससे कहीं ज़्यादा गुना अच्छा एक्सपीरियंस आपको इस ऐप पर मिलेगा दोस्तों। और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आपको बार बार कंप्यूटर पर नहीं जाना पड़ेगा, या गूगल क्रोम पर जाकर आपको जो है कह सकते हैं कि बार बार जूम करके सारी इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। आप इस ऐप के बारे में देख सकते हैं, और इसकी खासियत 4.5 इसकी रेटिंग है, रेटिंग रिव्यू देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। 50 मिलियन प्लस से ज़्यादा दोस्तों इसको डाउनलोड कर लिया गया है। 6 MB के आसपास का ये एप्लीकेशन है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको ये कुछ लैंडिंग पेज दिख रहा है। ऊपर आपको दिख रहा है सर्च, आप जो भी सर्च करना चाहें विकिपीडिया पर वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये जो कह सकते हैं कि क्रम में आपको दिख रहा है, आप जब इसको कस्टमाइज़ करेंगे तो आप यहाँ पर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसको कि ये देखिए हम दिखा देते हैं आपको। अभी जो दिख रहा है, जैसे आज 25 तारीख को जो फीचर्ड आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं, आज टुडे ऑन विकिपीडिया ये टॉप आर्टिकल्स हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी बार इनको पढ़ लिए गए हैं, देख लिए गए हैं। इसके बाद ये देखिए, क्योंकि हमने इसको कस्टमाइज़ कर दिया है दोस्तों, तो ये हिंदी में भी आ रहा है इसकी लैंग्वेज को चेंज करके। और पिक्चर ऑफ द डेज ये देखिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप फिल्म, कॉमिक्स, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। न्यूज़ में क्या चल रहा है करंट में, ये भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ऑन दिस डे 1967 55 ईयर्स एगो क्या क्या हुआ था, ये आज के दिन में ये सभी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये कुछ रैंडम आर्टिकल्स हैं दोस्तों जो यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए आप इसी तरीके से यहाँ जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, ये 14 तारीख के फीचर्ड आर्टिकल्स जो है, जो कल की तारीख में थे, इस तरीके से आपको ये मिलता जाएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आप किसी आर्टिकल पर क्लिक कर देते हैं, ये हमने क्लिक कर दिया है, द ट्रंडल और आर्कियोलॉजिकल साइट इन वेस्ट ससेक्स, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और काफ़ी बड़ा, जैसा कि आपको वेब पर मिलता है वैसा ही पेज आपको देखिए ये ड्रैग करते जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको क्रम से पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है उसकी, उसका कुछ एडवांटेजेस पढ़ना है, तो आपको ये कंटेंट्स नीचे दिख रहा होगा, यहाँ कंटेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये आपको इस पूरे आर्टिकल का एक कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक इंडेक्स पिक्चर दे दी गई है। आप जहाँ भी क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए हम नोट्स पर आ गए हैं, हम कार्वेन 9030 पर आ गए हैं। जो भी आपको एग्जैक्ट पढ़ना हो, साइट एंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो हम साइट एंड इंटरप्रिटेशन पर आ गए हैं। इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी आर्टिकल को कंटेंट्स के माध्यम से जो है वहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इटर्नल फिल्म्स, यहाँ आप जाएंगे, देखिए यहाँ आप ये देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है। अब दोस्तों नीचे आपको एक भाषा का ऑप्शन दिख रहा होगा, लैंग्वेजेस पर आप जाइए। आपको जिस भी भाषा में ये ऐप इस्तेमाल करना है वो भाषा आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हमने बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी इंग्लिश यहाँ पर लिया हुआ है। मैं इस पूरे आर्टिकल को हिंदी में करना चाहता हूँ तो मैंने हिंदी पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए द इटर्नल्स, ये पूरा हिंदी में आ गया है, और अब हम इसको जो है हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो कि ये देखिए पूरा हिंदी में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज करके भी आर्टिकल को आसानी से पढ़ सकते हैं। ये अभी हमने इसको जो है इंग्लिश में कर लिया है। आप दोस्तों फाइंड कर सकते हैं कोई और आर्टिकल, आप यहाँ पर आप जानते हैं उस आर्टिकल का नाम जानते हैं, तो आप यहाँ पर नाम पुट करेंगे तो आपको वो आर्टिकल भी मिल जाएगा। थीम आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर जो थीम्स दी हुई हैं, सिस्टम थीम्स, कलर आपको चेंज करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप लेटर ऑन इसको सेव भी कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, बाद में पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको सेव करके रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये तो डायनामिक वेबसाइट है और ये चेंज होती रहेगी, इसका डेटा आता रहेगा, जाता रहेगा, तो आप जो है इसको भविष्य के लिए सेव करके रख सकते हैं, और आप जो है बाद में भी इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको,
हाइड दिस कार्ड, एडिट कार्ड लैंग्वेजेस, कस्टमाइज द फीड। कस्टमाइज द फीड पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपको पता चलेगा जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि कस्टमाइज द फीड में जो है किस तरीके से आप क्या क्या देखना चाहते हैं आपके होम पेज पर। ये देखिए फीचर्ड आर्टिकल्स, जो डेली फीचर्ड आर्टिकल्स होते हैं विकिपीडिया पे, वो आपको देख रहे हैं। भाषा आप देख सकते हैं, टॉप रीडिंग आप देख सकते हैं, पिक्चर ऑफ द डे आप देख सकते हैं, आप सजेशंस बेस्ड ऑन योर रिसेंट रीड आर्टिकल। आप जिस तरीके के आर्टिकल्स को यहाँ पर रीड करेंगे वहाँ से इनकी एल्गोरिथम आपको उसी तरह के और आर्टिकल्स भी दिखाने लगेगी। न्यूज़ आप देख सकते हैं, करंट इवेंट्स क्या चल रहा है, हिस्टोरिकल देख सकते हैं, आज के दिन में क्या ऐतिहासिक हुआ था। रैंडमाइज आपको यहाँ पर मिलेगा, टुडे ऑन विकिपीडिया मिलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमाइज कर सकते हैं फीड को, जो भी आप यहाँ से देखना चाहें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये एप्लीकेशन, ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। विकिपीडिया को तो सभी लोग जानते हैं, और अगर विकिपीडिया एज अ एप्लीकेशन आपके फ़ोन में आ जाता है तो आपके लिए और भी ज़्यादा नॉलेज का भंडार जो है आ जाएगा। आपको बार बार गूगल क्रोम पर जाके चीज़ें देखनी, सर्च नहीं करनी पड़ेंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज।